नमस्कार, मैं हूं मनु त्रिपाठी। जैसा कि आज मैं आपको बता दूं कि हमारे पास चलकर आए हैं होटल्स मैनेजमेंट वेलफेयर एसोसिएशन। आपको बता दूं कि आप लोग जैसा कि जानते हैं कि होटल इंडस्ट्री जो है कोरोना काल से बहुत ज्यादा डूब चुकी है, और डूबने के बाद जाने कितने तमाम, मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूं कि भारत में जितने भी होटल हैं कहीं ना कहीं आर्थिक स्थितियों से जूझ रहे हैं। आज वो व्यवसाय और बिजनेस नहीं है, लेकिन एक तरफ कुछ कंपनियां हैं जो कंपनियां लगातार होटल वालों को आर्थिक स्थिति से तोड़ रही हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूं ओयो कंपनी के बारे में। जैसा कि मैं बता दूं, हमारे साथ भावेंद्र सिंह जी बैठे हुए हैं। इनका जो मिशन है, जो मिशन लेकर चल रहे हैं, वो मिशन यही है कि भाई जैसे ओयो जैसी कंपनियां हैं जो लगातार हमारे होटल कर्मचारियों के साथ, होटल ओनर के साथ शोषण करती हैं, उसी शोषण के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई और इसका बिगुल भी बजा रहे हैं। बहुत जल्द ही आपको देखने को मिलेगा, और ये पूरे भारत में लगातार लोगों को जोड़ रहे हैं। तो मैं बता देता हूं, 29% कमीशन और जीएसटी के अलावा हम कुछ नहीं देंगे, ये भावेन जी का कहना है। वाल्किन सीआईडी डीए डिजिटल ऑडिट जीएसटी और भी जितनी तरह की पेनाल्टी है वो हम नहीं देंगे। नंबर तीसरा पे इन्होंने रखा होटल का प्राइस हम तय करेंगे। नंबर चार, ओयो पैट जितना भी आता है वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर होना चाहिए, ना कि ओयो वॉलेट में। और नंबर पांच पे इन्होंने दिया है कि जितने भी कस्टमर आएंगे उनका चेक इन होगा। नंबर छह, अगर कोई होटल ओनर कस्टमर के आने पे भी चेक इन नहीं करता है तो वो डिजिटल ऑडिट में आएगा, तो उस कंडीशन में कस्टमर केयर कस्टमर से बात करे, होटल ओनर से बात करे, अगर गलत पाया जाता है उसका 3 गुना पेनाल्टी लगा। यानी अगर यहाँ पर देखा जाए तो इन्होंने होटल मालिक के लिए भी ये कह रखा है कि अगर होटल मालिक अगर ओयो के साथ गलत करते हैं तो 3 गुना पेनाल्टी हम लोग भरने को तैयार है, लेकिन अगर फर्जी पेनाल्टी अगर ओयो लगा रहा है तो हम उसके विरुद्ध है। इसके बाद में अगर होटल ओनर को होटल से संबंधित कोई भी समस्या होती है तो एसोसिएशन प्रयास करके उस समस्या का समाधान करवाएगा। तो चलिए मैं भावेश सिंह जी से आपको मिलवाता हूं, अध्यक्ष हैं इस वेलफेयर मैनेजमेंट के, तो मैं इन्हीं से जानना चाहूंगा। तो सबसे पहले आपको, आप लोग, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है भावेश जी। तो आप मुझे बताइए कि ये जो आप पहल लेकर चल रहे हैं, पहले अपना परिचय दीजिए, उसके बाद इस पहल के बारे में थोड़ा हमारे लोगों को बताइए। मेरा नाम भावेश सिंह है, हमारा होटल का नाम है, मतलब प्रयागराज में है, बनारस में है, गोवा में है। बाकी होटल में दिक्कतें बहुत ज्यादा आने शुरू हो गई है, सारे होटल हमारे ओयो से टाई अप हैं, ओयो कमीशन बहुत ज्यादा चार्ज करता है, उसके साथ साथ पेनाल्टी बहुत ज्यादा लगा रहा है, रेट हमारी अकॉर्डिंग नहीं कर रहा है, 400-500 लोगों को कर देता है, जिससे बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। अगर ये दिक्कतें मेरे साथ हैं तो ये दिक्कतें सबके साथ हैं। ये था कि मतलब ओयो के एम्प्लॉय को मैंने कई बार बोला कि भाई इसको ठीक करो, ये ठीक नहीं कर रहा था, रेट भाई 400-500। तो इसीलिए फिर मैंने एक एसोसिएशन बनाया होटल के लिए, उस पर भी हम काम कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, जुड़ने के बाद सबकी समस्याओं का निस्तारण किया जाए। अभी कितने लोग आपने जोड़े हैं? अभी लगभग मान के चलिए कि 300 लोग उनसे जुड़ चुके हैं। मतलब 300 लोग आपने, यानी 300 होटल की बात करूं मैं, 300 होटल ओनर को आपने जोड़ा है? 300 होटल ओनर जुड़ चुके हैं। और अगर मैं बात करूं तो जैसे भी लगभग कौन कौन से शहर में आपने लोगों को जोड़ा है? प्रयागराज पूरा कंप्लीट हो चुका है, प्रयागराज के सारे होटल वाले अच्छे जुड़ चुके हैं, बनारस में जोड़ रहे हैं, बाकी लखनऊ में लगभग मान के चलिए कि 250 लोगों से जुड़ चुके हैं, बाकी 30 तक आप मान के चलिए कि 1000 लोगों से जुड़ जाएंगे, क्योंकि समस्याएं सबके साथ है, तो इसलिए सारे लोग बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं और हर तरीके से समर्थन कर रहे हैं। मैं अगर देखूं तो कई बार होटल ओनर है, तकलीफ होती है लेकिन वो कह नहीं पाते किसी से, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद आप उस तकलीफ को समझते हुए कहीं ना कहीं अपना प्रयास जारी कर रहे हैं। आप लोग प्रयास वही है, क्योंकि तकलीफें बहुत ज्यादा हो गई। अब अगर मतलब अगर 1000 रुपए आ रहा है, 1000 की अगर बुकिंग आ रही है तो वो 70-80% ये ले रहा है, तो होटल ओनर को बच क्या है? कुछ नहीं बच रहा। अभी जैसा कि कुछ होटल ओनर्स का कहना था कि कभी कभी क्या होता है कि 200-250 रुपए में रूम भेज देते हैं, फिर कस्टमर से रात रात में बहस करनी होती है, उसके बाद पुलिस अदालत करना होता है, ये सारी समस्या फेस करनी पड़ती है। शायद ये समस्या फेस करनी पड़ती है, बिल्कुल फेस करनी पड़ती है। कस्टमर 400-500 में 300 में रूम बुक करके आ जाएगा, होटल ओनर उसको रूम नहीं देगा, कहाँ से रूम देगा उसको,
वो पुलिस बुलाएगा, लड़के बुलाएगा, मारपीट होगा, झगड़े लड़ाई होंगे, ठीक है, तो 400-500 में रूम दे ही नहीं सकते, 300 में रूम दे ही नहीं सकते, तो वो फिर बुक करता क्यों? आपको बता दें कि जैसा कि भावेश जी एक चीज बता रहा हूँ, मैंने उस चीजों से एक छोटी सी चीज पकड़ी है। आप एक चीज जीवन में ध्यान रखिए कि जैसे हमेशा कुछ कस्टमर्स हैं, उनको लगता है कि नहीं ओयो उनको बहुत कॉर्पोरेट करता है या उन्हें बहुत सस्ता रूम दे देता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। क्योंकि देखिए, आप अगर डायरेक्टली भी होटल जाते हैं, देखिए होटल इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो ये खुद ही आपको बता देंगे, नॉर्मली आप किसी भी होटल में जाएंगे तो अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो आप लोगों को 800-1000 रुपए में कमरा मिल जाता है। लेकिन ओयो क्या करता है, 250-300 की बुकिंग कर देता है, आपको लगता है कि मुझे सस्ता मिल रहा है। फिर आप होटल पे जाते हैं तो घंटों आप माथा पच्ची करते हो, लास्ट में आपको पेमेंट उतना पूरा करना ही पड़ता है। तो इसलिए उन कस्टमर से भी यही मैं कहना चाहूंगा कि होटल को ओयो को छोड़ोगे तभी जाकर के भला होगा। आप डायरेक्टली होटल से संपर्क कर सकते हो, भावेश जी के होटल चल रहे हैं प्रयागराज में, अन्य जगह पर, तो इनका भी कॉन्टेक्ट नंबर जब आ जाएगा तो कभी उधर चाहिए होटल तो आप संपर्क कर सकते हो, डायरेक्टली जा सकते हो। बताइए, सही बोला या नहीं? ये बात सही है, लेकिन फिर भी ऑनलाइन कंपनियां, सारे होटल अगर जुड़े हैं ऑनलाइन कंपनी से, कहीं कहीं उनका रोल होता है, क्योंकि सबका कस्टमर के माइंडसेट ये होता है, ठीक है भाई ओयो पे ये रेट दिखा रहा है, booking.com पे ये रेट दिखा रहा है, ठीक है तुमको इसी रेट पे रूम मिलना चाहिए, तो ये कस्टमर का माइंडसेट होता है। तो जो हमारे ऑफलाइन कस्टमर भी जो हमारे हैं, ठीक है, जो आते हैं चलते हैं 200-300-400 में दिखाएगा, तो फिर हमको उतने में ही रूम देना पड़ता है, जिससे सारे होटल वाले काफ़ी ज़्यादा नुकसान में चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान है, तो ये चीज़ें सही होनी चाहिए। लेकिन आप तो इतने अच्छे मुद्दे लेकर चल रहे हैं, आपने इसमें कहा भी है कि देखिए सर, साफ तौर पे लिखा हुआ है कि जो प्राइस है वो हम लोग खुद तय करेंगे, है ना? तो जब आप प्राइस तय करेंगे तो जाहिर सी बात है कोई भी कंपनी हो फिर वो आपके साथ छल तो नहीं कर पाएगी। नहीं, प्राइस हम तय करेंगे, उनको 1000 में रूम देना है कि 500 में देना है कि 1500 में देना है, ये हम डिसाइड करेंगे। मतलब देखिए, बुकिंग कंपनी भेज पाएगी या नहीं भेज पाएगी वो मतलब नहीं, आपका मतलब है कि हमारा प्राइस अच्छा हो चाहे बेशक एक रूम है अच्छा है। अच्छा, ठीक है, वो एक ही बुकिंग है, दो रूम की बुकिंग है, और हम ये कहते हैं कि अगर हम बुकिंग नहीं आ रही है तो फिर हम रेट गिरा देंगे, ठीक है, रेट कम कर देंगे, वो हम डिसाइड करेंगे ना, ये वो कंपनी कैसे डिसाइड कर देगी कि 400-500 से तो ऊपर हम रूम को रेट बढ़ा ही नहीं सकते। अगर कहा जाए तो कंपनियों को मेरे हिसाब से, जैसे बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जैसे वाइबिबो, एमएक्मेट्रिक, ये हमेशा ओनर्स को अपना पोर्टल देती हैं, वो अपने हिसाब से प्राइस को इंक्रीज करते हैं, कम करते हैं, ऑफर मारते हैं, ऐसे अगर ओयो कंपनी भी करने लगे तो शायद बहुत रिलीफ मिल सकती है बहुत ज्यादा, क्योंकि शुरू में जब ओयो आई थी तब का विश्वास बहुत ज्यादा था ओयो पे, लेकिन अब वो पूरा विश्वास खो चुका है। और अगर ओयो कंपनी ये सारी चीजें सही नहीं करेगी तो सारे होटल ओनर फिर ओयो कंपनी का त्याग करेंगे। आपका कितना टारगेट है, मतलब पूरे भारत में आप चाहते हैं होटल में जोड़ने, मतलब होटल मालिकों को जोड़ना है या पहले उत्तर प्रदेश को आप सही करेंगे? अभी तो टारगेट मतलब यही है कि उत्तर प्रदेश पहले हो जाए, इसके बाद फिर पूरा इंडिया। आगे का क्या प्लानिंग है, जैसा कि हमने सुना है आपके लोग कह रहे थे कि आगे आप हो सकता है 10-15 दिन बाद कुछ आंदोलन करने का भी प्रयास कर रहे हैं? आंदोलन करेंगे, अभी हमारे 1000 समर्थक हो जाएंगे तो ओयो के सामने हमें बात रखेंगे कि भाई ये सारी शर्तें हमारी हैं, इसको आप मानो, नहीं मानते हो तो फिर एक आंदोलन होगा, आंदोलन के जरिए मतलब हम पब्लिक को भी बताना चाहेंगे, सरकार को भी बताना चाहेंगे और ओयो को भी बताना चाहेंगे, ठीक है, कि जब हम ही नहीं रहेंगे तो फिर तुम्हारा अस्तित्व क्या रह जाएगा, और हमारी चीज अगर सही नहीं हुई तो फिर हम कंपनी स्विच कर देंगे। भावेश जी, इसके अलावा चलिए मान लेता हूँ कि रिसर आपने कोई प्रदर्शन किया, ओयो ने यहाँ पे बात रख ली और ये सारे काम आपके पूरे कर दिए, है ना, लेकिन मैं ये चीज और पूछना चाहता हूँ कि जैसे होटल्स वगैरह को बहुत सारी और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो क्या ये आज का जो संगठन है यानी होटल मैनेजमेंट वेलफेयर एसोसिएशन, तो क्या ये आप मतलब होटल ओयो के अलावा भी कुछ हेल्प कर सकते हैं होटल ओनर्स की, जैसे या कुछ प्रशासनिक तौर पे या जैसे बहुत परेशानियां होती रहती हमेशा, तो क्या क्या आपका संगठन कर सकता है होटल मालिकों के लिए? होटल से संबंधित जो भी समस्याएं होंगी, ठीक है, संगठन उसका पूरा मदद करेगा। अभी अब होटल के बाहर भी समस्या होती है, ठीक है, तो भाई होटल ओनर की व्यक्तिगत समस्या है, उसमें भी जो सहयोग हो सकेगा वो किया जाएगा, लेकिन अभी वो यही सोचा गया है कि होटल से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उस पर कार्रवाई होगी। मतलब जो आर्थिक स्थितियां जो लोगों की कहीं ना कहीं कंपनियों की वजह से गड़बड़ा रही है कि पैसा कंपनियां ले जा रही हैं, होटल ऑनर को नहीं मिल पा रहा है, तो पहले उस पर आप सुधार करेंगे, उसके बाद अन्य जो छोटी छोटी समस्याएं आती हैं तो उस पर भी एसोसिएशन खड़ा होगा, जैसे व्यापार मंडल होता है उसी तरह से आप भी, मतलब अगर किसी होटल ऑनर को दिक्कत आ रही है तो आपका संगठन उनके साथ होगा। बिल्कुल साथ। आपको बता दें कि भावेश जी से हम बात कर रहे हैं लगातार आपके सामने, तो यहाँ पर भावेश जी का कहना है कि जो ओयो वाली जो समस्या है इसका समाधान करने के बाद, जैसे बहुत सारे होटल्स में क्या होता है कि हमेशा
लोग लीगली होटल चलाते हैं, फिर भी उनको कहीं ना कहीं प्रशासनिक मार झेलनी पड़ती है, धमकी और ये दुनियादारी, तो कहीं ना ऐसी चीजों पर भी संगठन मुखता साथ होगा। हाँ, एक चीज और बता दे रहा हूँ, देखिए अगर आप किसी भी तरीके से इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसमें संगठन बिल्कुल साथ नहीं दे सकता, क्योंकि देखिए ये लोग भी लीगली ही रजिस्ट्रेशन करा के आपका सहयोग कर सकते हैं। आप इलीगल होंगे तो संगठन शायद कोई समर्थन ही नहीं देगा, अगर इलीगल कोई कर रहा होगा। अगर लीगल लीगल की बात तो ये हो जाती है कि भाई अगर कोई भी आपके यहाँ स्टे कर रहा है प्रॉपर तरीके से, उसकी आईडी एंट्री अगर है तो उस पर आप लड़ सकते हो, उस पर लड़ सकते हैं भाई। जैसे कि अभी मोदी सरकार ने 2014 में नियम पारित किया था कि कपल्स एंट्री हर होटल में दी जा सकती है 18 प्लस अगर है। भाई प्राइवेट प्लेस में होटल आते हैं, जैसे उन्होंने कहा है कि प्राइवेट प्लेस में 37 एक्ट जो उन्होंने बनाया है कि प्राइवेट प्लेस पे कोई भी कपल्स बैठ सकते हैं, पर्सनल मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो प्राइवेट प्लेस में होटल भी आता है। तो अगर होटल में कोई कपल्स रुक रहा है तो अगर आईडी देके रुक रहा है तो कोई इसमें इलीगल नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश। यस, लेकिन कभी कभी क्या होता है कुछ प्रशासनिक अधिकारी ना धमकी में ले लेते हैं तो बेचारे को जो ना डर जाते हैं जिसकी वजह से उनको दिक्कत होती है। प्रशासन ऐसा काम करता है कि प्रशासन से बात करेंगे, जिसको भी समस्याएं हो ठीक है वो संगठन से मतलब जुड़े, संगठन को ये बात पहुंचाए ठीक है, प्रशासन से हम बात करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ठीक है तो प्रशासन इसको कैसे। बिल्कुल, आपको बता दें कि भावेश जी से हमने बात की, बहुत अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं होटल मैनेजमेंट से जुड़े करके इन्होंने जो ये कदम उठाया बहुत ही सराहनीय कदम है, और मैं ये पूरा विश्वास भी करता हूँ कि भावेश जी इस पर खरी मेहनत करते हुए हमारे होटल्स ऑनर जो हैं उनको इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। और मैं अपील करना चाहूंगा खासकर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, एक्टिविटी करते हैं, आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को शेयर करके जितने भी होटल्स ऑनर हैं वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े। इसमें हम भावेश जी का नंबर डाल दे रहे हैं, आप उनसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं ज्वाइनिंग के लिए, मतलब सदस्यता आपकी फ्री है, सदस्यता हमारी फ्री, कोई चार्जेस नहीं है, कोई चार्ज। तो इसमें जैसे अगर आपसे कोई जुड़ना चाहता है ऑनलाइन, आपका जैसे नंबर पड़ा है तो उनको क्या क्या आपको भेजना होगा? ऑनलाइन नंबर पे होटल ओनर अपना नाम, होटल का नाम और फुल एड्रेस मेंशन करके वो तो व्हाट्सएप कर दें, बाकी उनको अभी ऑनलाइन सदस्यता दे देंगे, बाकी फिर काम जैसे जैसे बटन थोड़ा कम होता जाएगा ठीक है, चीज़ें सब सही होती जाएंगी, फिर ऑफलाइन सदस्यता उनको मिल जाएगी। अभी मतलब मेरा मेन मोटो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे ठीक है तो कोई उससे बात करने में उतनी कठिनाई नहीं होगी, आराम है। तो यहाँ पर हमने भावेश जी से बात की, भावेश जी का मैं नंबर डाल दे रहा हूँ, तो आप सभी से अपील रहेगी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो भी होटल्स ऑनर हैं या होटल से जुड़े हुए जो भी लोग हैं इस समस्या से बड़ा परेशान हैं, ये जो समस्याएं आपके साथ आ रही हैं, तो इनका समाधान के लिए आप होटल्स मैनेजमेंट वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़ सकते हैं, इस पे नंबर दे दे रहा हूँ स्क्रीन पर। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तमाम लोगों से कहना चाहूंगा इस वीडियो को शेयर जरूर करना। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।